ये शेयर वो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड शेयर है और आप देख ही सकते हैं यहाँ पर 7 सितंबर को इसको लेकर कुछ मेजर न्यूज़ आ रही है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस शेयर ने यहाँ पर क्या पब्लिश किया है। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। यानी कि ये जो अब अगले महीने क्वार्टर आने वाले हैं तो उसकी यहाँ पर बिजनेस और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट यहाँ पर जो है कोचिन शिपयार्ड ने दी है। देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर अपनी इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया है और इसका इम्पैक्ट हमें जो है शेयर में यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर बताया है और यहाँ पर ये रिस्क बता रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं तो जो CHCL है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शिप बिल्डिंग का काम यहाँ पर इनके अंडर होता है और ये इसमें फॉसिल फ्यूल फिल करते हैं जो यहाँ पर क्लाइमेट के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ये रिस्क बताया जा रहा है थोड़ा इसको लेकर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बताया जा रहा है कि मैं आपको थोड़ा यहाँ पर क्लियरली न्यूज़ बताकर पढ़ती हूँ कि यहाँ पर CHCL ने भारत का जो है पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला यहाँ पर जो है वो वेसल फ्यूल यहाँ पर तैयार किया है और यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक पोत जो है यहाँ पर विकसित किया है और यह यहाँ पर अपनी परियोजना में बताते हैं जिसे बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है। यह पायलट परियोजना तो टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज प्रौद्योगिकी पर आधारित है जिसे ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वेसल के नाम से भी जाना जाता है। इसे CHCL की CSS विभाग ने KPT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से शुरू किया। तो KPIT टेक्नोलॉजीज के साथ इन्होंने यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल यहाँ पर तैयार किया और इन्होंने जो है एक पोत भी यहाँ पर तैयार किया है, यानी कि एक पोत तैयार किया है और यह पहला भारत के नवचारी और स्थायी और लागत कुशल वैकल्पिक ईंधन प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो CSL है वो यहाँ पर पहले ही उसने ग्रीन शिपिंग की यहाँ पर शुरुआत कर दी है, यानी कि इन्होंने ये फ्यूल को लेकर ये थोड़े काफ़ी जो है इन्होंने कदम उठा दिए हैं कि आगे फ्यूचर में जो है फ्यूल की कमी पड़ सकती है, इन्होंने इसलिए ग्रीन शिपिंग की शुरुआत कर दी है। और CHCL ने पहले ही इसके लिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत यहाँ पर बना दिया है और इसे सौंप भी दिया है। इसके अलावा CHCL ने जो है नॉर्वे की ASKO मैट्रीटाइम एस के लिए जो है 20 इलेक्ट्रिक पोत भी बनाए और सौंपे हैं और ये 67 मीटर लंबे भी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अलावा कि ये पर इलेक्ट्रिक परिवहन फेरी के तौर पर तैयार किए गए हैं जिसकी यहाँ पर बैटरी जो है यहाँ पर कैपेसिटी 1846 किलोवाल्ट की यहाँ पर इसकी कैपेसिटी है। और यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है वो इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है इनकी जो ज़ीरो एमिशन व्हीसल की डिमांड है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और जो CSL है इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्रोजेक्ट बनाकर तैयार किया है और जिसको यहाँ पर इन्होंने KPIT टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिलकर इन्होंने पूरा करा है इस चीज़ को। अब आगे यहाँ पर मिनिस्ट्री पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अपने रख चुके हैं CHCL को ग्रीन शिपिंग के उसके तौर पे कि इनको क्या करना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने भी इसके लिए यहाँ पर जो है मंजूरी दे दी है और यहाँ पर इन्होंने CHCL ने 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यहाँ पर कोची में बनाने मेट्रो प्रोजेक्ट पर ये काम कर रही है और ये बहुत ही जो है ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल पोत होगा, यानी कि ये जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा, यहाँ पर कोई फ्यूल का यूज़ नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो CHCL है वो यूरोपीय ग्राहकों के लिए दो कमीशनिंग सर्विसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो कमीशनिंग सर्विस और ऑपरेशन पोत, दो ज़ीरो एमिशन फीडर कंडक्टर पोत और दो हाइब्रिड सर्विस का भी यहाँ पर जो है ये लोग
इनको ऑर्डर मिल चुका है और ये लोग बना भी रहे हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, P1, P2, P3, P5। आगे हम ये डायरेक्टर की तरफ से दिए गए हैं और ये क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बता रखा है। और यहाँ पर P2 में जो शो किया गया है, इसमें ये बोल रहा है कि ये इनकी जो क्वालिटी मैनेजमेंट का ISO है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का भी ISO सिस्टम काफ़ी बढ़िया है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का भी ISO सिस्टम जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है CVC के जो ऑर्डर्स है उनकी गाइडलाइंस का जो पालन है, यानी कि जो उनकी जांच है वो केंद्रीय सतर्कता विभाग विजिलेंस डिपार्टमेंट कर रहा है और जिसका जो है नेतृत्व यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस शेयर में गवर्नमेंट का भी हाथ आ गया है, तो आप इसको एक बढ़िया न्यूज़ लेकर चल सकते हैं कि गवर्नमेंट की देखरेख में यहाँ पर जो है सारा काम हुआ जा रहा है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा बहुत ये पढ़ सकते हैं, बाकी मैं अपनी प्रेफरेंस दे रही हूँ। और यहाँ पर जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बताया जा रहा है। और यहाँ पर CESL जो है, यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स है और नेशनल लॉस इन सब को मानते हुए यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है इसके साथ अपना यहाँ पर काम कर रहा है। और यहाँ पर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड जो है TNVGL जो है एनुअल बेसिस में यहाँ पर जो है बताएगी। और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल तो P7 है और P8 में जो है CHLCR प्रोजेक्ट जो है ऑडिट करते हैं, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी और कंट्रोलर ऑफ एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि इनको जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं यहाँ पर सरकार और जो है कंपनी वो साथ में मिलकर इनको पूरा करती है। यहाँ पर जो परचेसेस है ट्रेडिंग हाउसेस से वो यहाँ पर 6.05 बताई जा रही है, पिछले साल यहाँ पर 14.32 था। और सेल्स यहाँ पर अभी परचेसेस देख लेते हैं तो वो 0.68% है अभी, पिछले यहाँ पर 2.40% थे। और यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इनका 99.6% है इसमें, और यहाँ पर 99.97% यहाँ पर पिछले साल का बताया जा रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5 है और की मैनेजरियल पर्सनल यहाँ पर 1 है, एम्प्लॉयज़ जो है वर्कर्स जो है यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर जो है 58.33% 100% यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नंबर देखने को हमें मिला है। और यहाँ पर बात करते हैं इंडियन इंडस्ट्री के चैम्बर्स की, इनके यहाँ पर और यहाँ पर जो है नेम ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्री चैम्बर्स एसोसिएशन के नाम बताए गए हैं। तो देख लेते हैं, इंडिया जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स केरला में है, इंटरनेशनल है ये, और इंडियन शिप बिल्डर एसोसिएशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग और एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और यहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, यहाँ पर एक इंटरनेशनल है, बाकी सब यहाँ पर नेशनल इनके चैम्बर्स हैं। और इनके ऑफिसेस की बात करें तो यहाँ पर इनके ऑफिसेस जो है केरला में है, कोची केरला में, और महाराष्ट्र मुंबई में, वेस्ट बंगाल में, अंडमान और निकोबार में यहाँ पर इनके हैं। और ये यहाँ पर जो है केरला में शिप बिल्डिंग और रिपेयर का काम करते, इधर भी शिप रिपेयर का ये चारों काम बताया गया है। अब आगे यहाँ पर इस शेयर से जुड़ी कुछ और खबर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है शेयर में
क्लोजिंग जो है गिरावट के साथ हुई थी 1861 रुपये पॉइंट 35 पैसे। तो अगर आप अभी इसको यहाँ पर बाय करना चाहे तो अपने ओन रिस्क में यहाँ पर बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए तो वैसे यहाँ पर जो शेयर है वो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो क्लाइमेट है उससे जुड़े हुए काम करने शुरू कर दिए और सरकार का भी इसमें हाथ आ रहा है। तो आप देख ही सकते हैं लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर आप इस शेयर को यहाँ नेक्स्ट क्वार्टर तक के प्रस्पेक्टिव से जो अगले महीने आने वाले हैं तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर समझ सकते हैं। 1900 रुपये जो है इस मंथ तक का टारगेट यहाँ पर जा सकता है। आगे यहाँ पर देखते हैं और नंबर्स को, बाइंग भी यहाँ पर जो है इस शेयर में ज़्यादा देखने को मिली है, 2173 के अराउंड यहाँ पर बाइंग है। तो बाइंग का नंबर भी यहाँ पर ठीक है, सेलिंग का यहाँ पर नंबर जो है 0 देखने को मिला है।